टेक वी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आप देख सके लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अपडेट्स सबसे पहले। दोस्तों, सैमसंग मार्केट में लेके आ गया अपना आई सीरीज का एक नया स्मार्टफोन जिसका नाम है सैमसंग गैलेक्सी A7। और यहाँ पर बात हो रही है ट्रिपल कैमरा की, तो आप इस वीडियो को आगे देखते रहिए। आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ इसी नए A7 के बारे में, तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, कुछ ऐसा होगा A7 का बॉक्स और आपको इसमें क्लियर मेंशन किया गया होगा कि आपको मिलेगा इसमें ट्रिपल कैमरा। बॉक्स कंटेंट होंगे इसमें बेसिक ईयरफोन, USB टू माइक्रो USB केबल, सिम इजेक्टर टूल और एक चार्जर जिसकी आउटपुट रेटिंग होगी वो होगी दोस्तों 5 वोल्ट 1.55 एम्पियर्स। मतलब ये एक फास्ट चार्जर तो नहीं होगा। और देखने में फ़ोन काफ़ी बढ़िया लगता है। इसके बैक पर इन्होंने दी है ग्लास डिज़ाइन जो कि काफ़ी प्रीमियम फील देती है और सच में देखने में काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लगता है। और इवन ये फ़ोन ज़्यादा थिक भी नहीं है, काफ़ी थिन है ये फ़ोन, मतलब काफ़ी स्लिम है ये फ़ोन। तो दोस्तों, इस स्मार्टफोन की राइट साइड में आपको मिल जाता है एक यूनिक सा फिंगरप्रिंट सेंसर जो कि बेस्ड है इसके पावर अनलॉक बटन पर, या कि बोल सकते हैं पावर बटन पर प्लेस्ड है इसके। तो दोस्तों, अगर आपने इस फ़ोन में अपना फिंगरप्रिंट लगाया है तो आप सिर्फ इस मोबाइल की राइट साइड में बस आपको इस पावर बटन पर टैप करना है या इवन टच करना है और ये फ़ोन अनलॉक हो जाएगा। इसके बैक साइड पे आपको फिंगरप्रिंट नहीं मिलेगा क्योंकि इस बार सैमसंग ने एक यूनिक सा काम किया है कि इसके पावर बटन को ही इन्होंने फिंगरप्रिंट सेंसर का रूप दे दिया है। और दोस्तों, पावर बटन या फिंगरप्रिंट सेंसर के ऊपर आपको मिल जाता है दो वॉल्यूम रॉकर्स, मतलब वॉल्यूम बटन्स वॉल्यूम अप एंड डाउन करने के लिए। लेफ्ट साइड में आपको मिलती है एक सिम ट्रे जिसके अंदर आपको मिल जाता है डेडिकेटेड सिम स्लॉट ट्रे जिसमें आप दो सिम और एक एसडी कार्ड को एक साथ यूज़ कर सकते हो। और मैं तो कहूँगा कि हर फ़ोन में डेडिकेटेड सिम स्लॉट ट्रे होना चाहिए, इवन इंडिया में तो होना ही चाहिए क्योंकि ज़्यादातर इंडियन यूज़र्स यूज़ करते हैं दो सिम। तो काफ़ी अच्छी बात है कि इस मोबाइल में आपको डेडिकेटेड सिम स्लॉट ट्रे का ऑप्शन मिल जाता है। स्क्रीन की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो स्क्रीन है इसकी 6 इंचेस की, एस्पेक्ट रेशो 18:5:9, फुल HD प्लस सुपर एमोलेड इन्फिनिटी डिस्प्ले कहता है इसको सैमसंग। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इसकी बैटरी की। इसकी बैटरी आपको मिलेगी 3300 mAh की जो कि आराम से आपका एक दिन का बैटरी बैकअप तो निकाल ही देगी। हाँ, हालांकि आप अगर 1.5-2 दिन का बैटरी बैकअप निकालना चाहो तो आपको दिक्कत आ सकती है क्योंकि बैटरी 3300 mAh की है। लेकिन अगर आप एक हैवी यूज़र नहीं हो तो इवन आपके ये 1.5-2 दिन तक भी निकाल सकती है, लेकिन ऐसे नॉर्मली ये 1 दिन तक काफ़ी आराम से चल पड़ेगी। प्रोसेसर बात कर लेते हैं इसकी, तो प्रोसेसर है इसमें सैमसंग का ही Exynos 785, 2.2 GHz ऑक्टा कोर प्रोसेसर, यानी कि अब आप इसमें काफ़ी अच्छी गेमिंग कर सकते हो। PUBG, Asphalt 9, Asphalt 8, जो मर्जी कह लीजिए आप, चाहे Modern Combat 5, गेमिंग का एक्सपीरियंस आपको इस मोबाइल में काफ़ी अच्छा मिलेगा। और इसके साथ आपको इसमें एंड्रॉयड का वर्जन Oreo 8.0 मिल जाता है। फेस अनलॉक आपको इसमें मिल जाता है दोस्तों, और यूनिक सा फिंगरप्रिंट सेंसर तो मिलता ही है जो कि पावर बटन पर प्लेस्ड है। और दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इसकी स्पेशल फीचर की जो कि स्पेशली हाईलाइट किया है सैमसंग ने इसके बॉक्स पर भी, जो है इसका कैमरा। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको मिल जाता है ट्रिपल कैमरा का कॉम्बिनेशन, जहाँ पर आपको सबसे पहले मिलता है 24 MP का कैमरा जो कि मेन कैमरा है। उसके बाद आपको मिलता है 5 MP का कैमरा जो कि डेप्थ सेंसिंग और सेकेंडरी कैमरा की तरह यूज़ होता है। और जो थर्ड कैमरा है वो है दोस्तों 8 MP का अल्ट्रा वाइड कैमरा। तो एग्जांपल बता देता हूँ, अब आप इस एग्जांपल को देख लीजिए। Presenting the triple camera of the all-new Galaxy A7 for ultra-wide shots. दोस्तों, फ्रंट कैमरा की बात कर लेते हैं इसकी। इसकी फ्रंट कैमरा है 24 MP का, मतलब सैमसंग ने पार्शियलिटी नहीं की है कि यहाँ पीछे 24 MP का ट्रिपल कैमरा दे दिया तो फ्रंट में ऐसे 5-6 MP। नहीं नहीं फ्रंट में भी आपको प्रॉपर 24 MP का कैमरा मिलता है, काफ़ी अच्छी सेल्फी ले सकते हो आप इससे। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इसकी मेमोरी की। इसकी मेमोरी है 4 GB RAM, 64 GB स्टोरेज,
ये है इसका फर्स्ट वेरिएंट, और सेकंड वेरिएंट है इसका 6 GB RAM 128 GB स्टोरेज। तो ये है इसके दो वेरिएंट, और दो ही वेरिएंट अभी अवेलेबल है इंडिया में, और दोनों ही वेरिएंट्स में आप SD कार्ड लगा सकते हो 512 GB तक का, मतलब आप 512 GB तक इतनी स्टोरेज का कोई क्या करेगा। चलिए अब बात कर लेते हैं इसकी प्राइसिंग की। प्राइसिंग की अगर बात करें दोस्तों, तो इस फोन की प्राइस है 23,990, जिसमें आपको मिलता है 4 GB वाला वेरिएंट, और दूसरा वेरिएंट है 28,990, मतलब 28,990, जिसमें आपको मिलता है 6 GB RAM वाला वेरिएंट। तो दोस्तों यही था इस फ़ोन का किस्सा चिट्ठा। तो दोस्तों अगर आप इस वीडियो को अभी तक देख रहे हो, तो शायद आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, शायद आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो, आपकी कुछ काम आई हो, तो प्लीज़ दोस्तों फिर इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अभी हमारे चैनल को, अभी हमारा चैनल ग्रो हो रहा है। तो बस यही आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी कमी लगी हो, तो उसको प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं, ताकि हम अपनी वीडियोस में सुधार कर सकें। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना है। इस चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपके लिए रोज़ाना ऐसी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस लेके आता रहता हूँ। मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो पे, एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।